हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ उषा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं किन्हीं दो टॉपिक के ऊपर, दो बेबी बॉय सिम्टम्स के ऊपर जो आपको ज़्यादातर 7वें 8वें और 9वें महीने में, यानी कि आपकी तीसरी तिमाही में, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये चैनल का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़का लड़की में भेदभाव समझें, हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए दोनों एक समान है, दोनों को समान प्यार और अधिकार दोनों देने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो बेबी बॉय का सिम्टम्स है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो वो है आपको पेट के ऊपर खुजली होना। मतलब कि आपको पेट के ऊपर खुजली क्यों होती है और ऐसा क्यों माना जाता है कि अगर आपको ज़्यादा खुजली होती है तो ये सिम्टम को बेबी बॉय होने का माना जाता है। दोस्तों क्या होता है कि हमारी बड़ी बुजुर्ग महिला है, वो ये दोनों पॉइंट जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ ना, वो दोनों बेबी बॉय सिम्टम्स वो बताते हैं, लेकिन ओरिजिनल रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आपके पेट में, यानी कि आपकी तीसरी तिमाही है, बच्चे का विकास है बहुत ही ज़्यादा हो चुका होता है और वो उनका भी विकास बढ़ने के कारण आपके पेट के ऊपर जो आपकी स्किन रहती है ना वो बहुत चौड़ी होती जाती है, मतलब उस वो टाइट हो जाती है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, सूखापन हो जाता है स्किन में। तो आपको सूखेपन आ जाने की वजह से आपको ज़्यादातर खुजली रहती है। तो उस तरह से आपको क्या करना चाहिए कि आप एलोवेरा जेल है वो आपके पेट के ऊपर हल्के हाथों से लगा सकती है। दोस्तों फिर दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी नाभि की लाइन, मतलब आपका जैसा तीसरा ट्राइमेस्टर जैसे स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपके पेट के ऊपर एक नाभि लाइन क्रिएट हो जाती है, वो आप देखना। अगर आपकी नाभि लाइन है वो नाभि से लेकर नीचे तक, राइट पार्ट तक, अगर पूरी डार्क बनी हुई है, सीधी बनी हुई है, तो हमारी बड़ी बुजुर्ग महिला ऐसा बताती है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है। दोस्तों ये जो दो सिम्टम है ना, वो मुझे अपनी खुद की प्रेगनेंसी में भी देखने को मिले थे दोस्तों। तो अगर आप चाहे तो आपकी प्रेगनेंसी में भी इसको आप चेक कर सकती है। तो दोस्तों चलिए आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये दो सिम्टम है वो आपकी प्रेगनेंसी में देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।